दोस्तों आज 2 दिन बाद मैंने अपना मुंह साबुन से धोया है। तो दोस्तों अभी हम निकल गए लंच करके, जहाँ पे आपको दिखाया था वहीं पे मैगी चाय खाई थी, वहीं पे को हमने दाल चावल भी खा लिया, दाल भात खा लिया। अभी अभी थोड़ी देर सो गए थे वहीं पे को धूप में, बढ़िया मज़ा आ गया यार सो के, थोड़ा सा एनर्जी आ गई। और जस्ट हम अभी निकले हैं वहाँ से, अभी चलना है हमें 4 घंटे और, किलोमीटर्स तो पता नहीं कितना बचा है लेकिन 4 घंटे चलना है, हो सकता है आज बिना पहुँचे हम कल ही पहुँचे दिन तक। देखो यार आगे क्या होता है कैसा रहता है। तो अभी हम लोग निकल चुके हैं चाय मैगी और दिन का लंच करके आगे के सफ़र में। तो जहाँ हम जा रहे हैं जोहार घाटी, उसको जोहार घाटी को मिलम घाटी भी कहते हैं और गोरी गंगा घाटी भी इसको कहते हैं। तिब्बत के लिए जो मेन पहले 1962 तक का जितना भी रूट था वो इसी रास्ते से करते थे, जो तिब्बत से जितना भी बिजनेस चलता था वो इसी रास्ते से होता था। तो मैं आगे और बता देता हूँ कि जोहार जो है वो 12,000 फीट की ऊँचाई पर को है, तो इसका जो बहुत हायर एल्टीट्यूड में है, तो इसलिए यहाँ पे हवाएं भी बहुत तेज़ चल रही हैं, ये वजह यही है। और हमें थकान की वजह भी यही है कि भाई इतनी चढ़ाई हम पूरा चढ़ते हुए ऐसे ही जा रहे हैं, चलते चलते जा रहे हैं, और सामान इतना है तो थकान तो यार लगनी है। और साथ में यार अभी तक वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, आगे को भी ऐसे ही अपना साथ बनाए रखिएगा। जिन्होंने अभी तक सब्सक्राइब नहीं करा है चैनल को वो सब्सक्राइब कर लें, जो नए हैं वो सब्सक्राइब कर लें, और जो जिन्होंने अभी सब्सक्राइब कर लिया उनको भाई तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। और ऐसे ही अपना प्यार बनाए रखिएगा, लाइक करना कमेंट करना यार। और तो अभी चल ही रहे, मौसम बहुत प्यारा हो रखा है जैसा कि आप देख ही रहे हैं। मौसम के मामले में यार किस्मत हमेशा अच्छी रही है, तो आज भी अच्छी रही, हमको लगा था कहीं बारिश वारिश ना हो लेकिन ऐसा कुछ है नहीं, तो मौसम बहुत बढ़िया हो रहा था, गर्मी भी हो रही थी। और बाकी सामने आप देख रहे हैं जो एक पगडंडी सी दिख रही है जो ऊपर की तरफ जा रही है, उसी में हमने जाना है भाई। दूर से देख के ना अभी हालत ख़राब हो रही है, कितनी चढ़ाई और है भाई, इसके बाद तो पता नहीं कितनी कितनी चढ़ाइयाँ होंगी। और अभी तो दूसरा ही दिन है, अभी हमने तीसरा दिन भी पूरा चलना ही चलना है, और फिर पता नहीं कितना रास्ता कवर करना है कल, और भी बहुत सारा रास्ता कवर करना है। तो भाई यार यहाँ पे को हवा इतनी तेज चल रही है, हम जहाँ को जा रहे हैं ना हवा उसका उल्टा ही हमें लेके जा रही है भाई, उल्टा पूरा उल्टा उड़ा रही है। हम जहाँ ऊपर को चलने के लिए ताकत लगा रहे हैं, हवा नीचे को उड़ा रही है, बोलना भी मुश्किल पड़ रहा है भाई ऐसी हवा में, इतनी तेज़ हवा है, मतलब रास्ता ही बदलवा दे रही है भाई ये। थोड़ा सा पैरासूट हो या कुछ ऐसे कपड़े पहने हो ना तो हवा में उड़ा ही ले पूरा। और ये पहाड़ की टॉप में जाना है, अभी चढ़ाई चढ़ाई है, पूरा टॉप में जाना है, बस चले जा रहे हैं भाई। अगर मेरे पास ये भारी सा बैग ना हो ना, अगर नहीं होता ना तो ये हवाएं, मतलब ये हवाएं तो मेरे को उड़ा के ले जा लेती भाई, इनका बस चलता तो मेरे को उड़ा ही लेती भाई। पार तो कर दिया, थोड़ा थोड़ा थक रहा हूँ साहब, ज्यादा नहीं थक रहा हूँ मैं, चलो मैं चढ़ लूंगा। मेरा मानसिक संतुलन बिगड़ रहा है रास्ता देख के भाई, रास्ते का ये पैच देख के तो ना मतलब मेरी हालत ही खराब हो गई कि भाई मैं चढ़ूंगा कैसे इतने वजन के साथ। मतलब भाई खड़ी चढ़ाई है, कोई मतलब सपोर्ट नहीं है, कोई रास्ता नहीं है, और हवाएं इतनी तेज चल रही है, हवाएं मतलब ऐसी चल रही है कि हमें नीचे को धकेल लिए। और आप आगे मंजीत को देख के अंदाज़ा लगा ही सकते हैं कि रास्ता कैसा है चढ़ाई सी, पूरा आगे को झुक के चलना पड़ रहा है भाई, हालत ख़राब हो गई इस रास्ते में हमारी तो, इतना अभी आधा आ रखे इतने में हालत ख़राब हो गई थी, और आगे चढ़ना ऐसा टफ पड़ रहा था। और सारे के सारे लोग भाई इसी रास्ते से ऊपर नीचे करते हैं, घोड़े खच्चर वाले भी इसी रास्ते से ऊपर नीचे करते हैं, तो मतलब सबके लिए एक ही रास्ता है, हमारे लिए हाथ वाथ टेक टेक के उनको चलना पड़ रहा है, और हाथ वाथ पत्थर छुप रहे हैं वो अलग, हाथ गंदे हो रहे हैं वो अलग, और कपड़े तो पूरे मिट्टी मिट्टी में सम रखे हैं भाई। और ये हवाएं भाई, हवाएं तो जान ही ले ले रही हैं बिल्कुल, तब तो उड़ा दे कुछ पता नहीं है आगे हवा। हवा
इतनी तेज चल रही है कि मेरी आवाज अब तक आप सभी तक पहुंच भी नहीं रही होगी, लेकिन मैं कोशिश कर रहा हूँ कि अब तक मेरी आवाज पहुंचे। हम थक भी बहुत गए हैं, जैसा कि आप देख सकते हैं ये एक प्रकार का जानवर है जो यहाँ पे बैठा हुआ है। इसके पास जाना हमारे लिए बहुत खतरे का साबित हो सकता है, लेकिन आपके लिए मैं अपनी जान हथेलियों पर रख के इसके पास जाऊंगा, कहीं यह डस ना दे या हमें खा ना दे, कहीं हम इसका निवाला ना बन जाएं। तो ये बहुत शांत प्रकार का जानवर है, ये चला आ रहा है, ये बहुत एग्रेशन में है, ये हमको एग्रेशन दिखा रहा है। थोड़ी देर यहाँ पे को लेटते हैं, उसके बाद आगे को चलेंगे। मुंह पे धूप लग रही है भाई बहुत तेज, आसमान कुछ ऐसा है देखो नीला। हमारी किस्मत इस मामले में बहुत अच्छी थी यार, जब जिस टाइम पे हम गए हैं अभी, तो उस टाइम पे को मौसम बहुत प्यारा हो रहा था, बिल्कुल भी बारिश नहीं, बिल्कुल भी तूफान नहीं, तो इस मामले में हम बहुत लकी थे। मौसम बहुत प्यारा था भाई, व्यू तो मतलब कुछ कहने ही नहीं भाई, इतना इतना बढ़िया था। गाइस मैं अभी यहाँ लेटा हुआ था और सोच रहा था यार कि ये जो घर है ना आप देख रहे हो, एक तो कुछ ये घर दिख रहे हैं आपको सामने को, और कुछ गाँव ये दिख रहे हैं, और एक गाँव है जहाँ पे हम जा रहे हैं लास्ट गाँव है, उससे आगे भी तो एक गांव से आगे भी है जहाँ हम जा रहे हैं उससे आगे, और उसमें अभी पहुँचने में हमें 4 घंटे लगेंगे, तो इतना दूर है। तो यार अभी तो थोड़ा बहुत कनेक्टिविटी है, चलो पतले पतले चलने वाले रास्ते हैं, पहुँच जा रहे हैं, लेकिन यार उस टाइम पे तो सोचो यार, एक टाइम था जब 1966 का टाइम था, 1950 से पहले और 1966 तक का जो टाइम था ना, जिस रास्ते से लोग जाते थे तिब्बत से सामान लाते थे और यहाँ बेचते थे, सोचो यार क्या ही टाइम होता होगा यार। मतलब आंख से देखो ना यार, तुम्हें समझ आएगा दोस्तों, आंख से मतलब कि भाई कैमरे में उतना समझ नहीं आता ना यार इसको, आंख से तो देखेंगे ना। अरे तो मतलब यहाँ आके देखो मतलब, हाँ वही तो, यहाँ के भी तो आंख से देखेंगे ना भाई, देखो। अरे तो भाई यहाँ के देखो आप लोग, कैमरे में उतना पता नहीं चलता, व्लॉग्स में उतना पता नहीं चलता, पता चलता है सामने आके देखने से, ब्यूटी का भी तभी पता चलता है और स्ट्रगल का भी तभी पता चलता है। चलते जाना है सीधे सीधा, जो पहाड़ जहाँ बादल दिख रहे हैं उसके नीचे नीचे के चलते जाना है, बादलों के नीचे वहीं, उससे भी आगे जाना है अभी तो, अभी ये सीधा सीधा है, ऐसे ही चलते जाना है जहाँ से नदी आ रही है और जहाँ बादल दिख रहे हैं उससे नीचे, क्योंकि वहीं तक का रास्ता मेरे को भी दिख रहा है, उससे आगे का दिख नहीं रहा है जो मैंने वहाँ से आपको दिखाया था। अभी ये पुल पार करके जो वाला पहाड़ है, इसको ऐसा राउंड घूमते हुए पीछे से जाना है ऊपर को, अभी यहाँ पे होटल मिला, अभी यहाँ पर रुको है, यहाँ पे आंटी बता रही है हमें रास्ते रास्ते का, और आज का स्टे हमारा यहीं होगा, अब हम कल ही जाएंगे, फाइनली हमने डिसाइड कर लिया है। और ये बिट्टू 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 आजा आजा, बिस्कुट खिलाऊंगा फिर, नहीं कुछ नहीं कर रहा हूँ मैं, चल सूंघ ले पहले, तू ही सूंघ ले। अरे खुशबू चल चल चल, बस ये बिट्टू बिट्टू ए खेल रहा है तू ऐसे, बिट्टू हकाने चले गया हकाने के लिए गया है, बिट्टू हकाने के लिए चले गया आंटी के सहारे पे, वो चला गया बिट्टू। एक बिट्टू और है मेरे पास, बिट्टू ये है मेरा बिट्टू, बिट्टू बिट्टू ये लेटा हुआ है बिट्टू, ये यहाँ पर का है होटल अपना,
और यहाँ पे हम रुकेंगे आज। चाय भी बन गई है। तो गाइस फिलहाल अभी हम चाय वाय पीते हैं, मजा आ गया चाय में। तो गाइस अभी ना आपको यहाँ ऊपर लेके जाऊंगा, अभी ये ऊपर चलेंगे अभी, फिर आपको व्यू दिखाऊंगा ऊपर से। और दोस्तों आज 2 दिन बाद मैंने अपना मुंह साबुन से धोया है, और ठंडा तो हो रहा है यार। अभी मैं टी शर्ट में आ गया और नीचे से जंगिया पहन के आ रखा बस। तो मैंने जैसा कि ऊपर जाऊंगा बोला था आपसे, तो अभी हम ऊपर जाएंगे और ऊपर से आपको व्यू दिखाता हूँ सारा का सारा। सांस भी फूलने लग जा रही है यहाँ पर को, क्योंकि ये ऑक्सीजन हाइट है ना, तो ऑक्सीजन की कमी साफ महसूस हो रही है। अभी जस्ट फेस वेस वॉश करके आ रहा हूँ नीचे पर को। देखो ये होटल है, यहाँ से आ गया ऊपर भाई। लेकिन सही बताऊं ठंड बहुत है, बहुत ठंड है, हवाएं चल रही है, और मैं अभी भी फिलहाल ऊपर ही को जा रहा हूँ। और ये कुछ ऐसे मैंने देखो पावर बैंक है 20K मेगाहर्ट्ज़ का, इससे अपना ये अपना एक्शन कैमरा चला रहा हूँ। यार प्यार तो दिखाना है यार, बड़ी मेहनत से बना रहा हूँ ये ब्लॉग भी, मतलब ऐसा नहीं, मतलब आपको अच्छा लगे तो बनाना, और आगे को भी मैं अच्छी अच्छी वीडियोस लेते आऊँगा। अभी जो है हवाएं चलने लगी हैं, तो ठंड भी लग रही है यार, मैंने कुछ पहना नहीं है ज़्यादा, है ना, ठंड बहुत है। नीचे में सब जैकेट वैकेट पहने हुए हैं, मैं टी शर्ट और कच्छे में ही आ गया, मतलब ये जंगिया में बॉक्सर में। तो अभी मेरे को चलना भी चाहिए नीचे, वो भी लाइट वाइट चल गई है, सो गए, और मैंने भी यहाँ पर इस तरह लगा दिया अपना, ये कुछ इस तरह से मैं घुस गया बिस्तर में, यहाँ मेरा बैग वैग हट गया। तो होप यू गाइस एंजॉय द वीडियो, आप सभी को अच्छा लगा होगा। तो आज का ब्लॉग यार यहीं पे एंड करते हैं, खाना वाना खाएंगे सो जाएंगे, थकान बहुत हो गई है। और यार ब्लॉग अच्छा लगा हो तो आपको प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। बाय बाय, गुड नाइट, यहीं पर।